जी क्यों आएंगे? मोदी जी जब हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? राम इतनी महान हस्ती है, वे राम को कैसे ले आएंगे? धर्म का धंधा होगा, पढ़ा लिखा भी अंधा होगा, रोना इस चीज का होगा। हाँ मोदी जो ठीक कर रहे कि वो भी हमें घोटाला हो जाएगा। हाँ जो अपना अधिकार मांगता है वो देश विरोधी है, देश विरोधी है, हम जेल जाना चाहते हैं मोदी के खिलाफ। नहीं जी हमें क्या डरना है योगी जी से? चल जाने दो, नहीं डरते, नहीं डरते। अमृतकाल हमें तो जार भी नहीं मिल रहा साहब, तुम अमृतकाल की बात कर रहे हो? कसम खाकर गंगा जल में हाथ लेकर कसम खाते हैं इस बार मोदी को हटाएंगे। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज़। 2024 से पहले लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। सीधे जनता से ही जान लेते हैं कि जनता के मन में क्या है। देखिए ये बताइए, लगातार भारत के तमाम वकील कवायद लगा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो। लग रहा है 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएंगे और ईवीएम को हटा पाएंगे? देखो सभी चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज इस जंतर मंतर की धरती पर मुजफ्फरनगर गांव निर्माणी से चल करके अपने धरना अति पिछड़े फिशरमैन कांग्रेस के बैनर के तले अपनी मांग को लेने आए हैं। जो आपने सवाल किया है कि सन 2024 में ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये बात सत्य है। ताकि जहां ये मशीन बनी थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। सबसे पहले भाई अमेरिका है, जर्मनी है, उन जैसे देशों में पहले ईवीएम मशीन से वोटिंग होया करती थी, तभी से ही उन लोगों ने बंद किया। तो भारत में भी ये बंद होनी चाहिए और सन 2024 का चुनाव ईवीएम से की बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि गरीब जनता के साथ ये धोखा ना कर सके, क्योंकि मोदी सरकार ईवीएम से इलेक्शन जीतती है। कांग्रेस ईवीएम लेके आएगी? जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे, शासन में नहीं थे, उन्होंने भी मन से कहा था भाई ईवीएम हटा दो, तब कांग्रेस सरकार ने नहीं सुना। जी हाँ, आपकी बात सही है कि राजीव गांधी जी इस चीज को लेकर के आए थे ईवीएम मशीन को, और मशीन के घोटाले को देखकर हुए आज समय की ये मांग है मशीन सारी जनता की परिस्थिति को देखते हुए कि ईवीएम हटना चाहिए। हाँ। ईवीएम हटाओ, क्योंकि 36 साल से पहले इसके पास कोई इतना घोटाला नहीं था, मशीन के अंदर कोई घोटाला नहीं था। जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक विधायक जी के खुद उसके गांव के उसके परिवार के 32 वोट नहीं आए तो वे कहां गए? देखो ये पत्रकार महोदय जी, आप ही के पास खबर आई होगी कि दो साल एक दशक हम योजना करेंगे, कांग्रेस ने कहा एक दशक, जो भाजपा ने कहा आपको ही पता होगा जी, हमको तो इतना पता नहीं है। हाँ जी क्या लग रहा है पर पहले पेपर से? हाँ जी बैलेट पेपर खर्चा बहुत आएगा, बैलेट पेपर से खर्चा तो तब भी आता है जी, खर्चा तो सारा जनता को वहन करना पड़ता है, सरकार का क्या जाता है, सारा जनता वहन करती है इस खर्चे को तो बैलेट पेपर से। अरे आएंगे तो मोदी ही इस बार 400। क्यों आएंगे मोदी जी? क्यों आएंगे मोदी जी? जब हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? हमारा जनता कैसे लाएगी? हमारा 17 अति पिछड़ी समाज है जिनकी जनसंख्या 22% है, उसको हम कसम खाकर गंगा जल में हाथ लेकर कसम खाते हैं इस बार मोदी को हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। अजय राम राज्य दे दिया मोदी जी ने, आपने कहा कि राम राज्य दे दिया, इस राम राज्य में हम केवट निषाद मल्ला जाति से आते हैं, और मोदी जी ने सन 2017 के चुनाव में घोषणा की थी कि पिछड़े जाति को SC का आरक्षण देंगे, उन्होंने इस जाति को तो नहीं दिया, जबकि इस गरीब जनता ने उनके मनुवादियों को सांसद और विधायक बना करके भेजा है, उन्होंने अपने मनुवादियों के लिए 10% आरक्षण 72 घंटे में लागू किया है। 24 में वोट दे दीजिए सब कुछ होगा। नहीं देंगे हम इस बार, धोखा नहीं खाएगी 17 तिथि पिछड़ी जाति। मोदी जी कह रहे 400 पार इस बार। मोदी जी का 2000 पार क्या जा रहा है मोदी का? हाँ मोदी जो ठीक कह रहे की घोटाला हो जाएगा। नहीं अरे एक चीज तो बताओ भाई साहब, राम इतनी महान हस्ती है, वे राम को कैसे ले आएंगे बता दो? आप में ताकत है, आप ले आओगे राम को? हैं पकड़ के, पोस्टर नहीं देखा आपने? अजी वे एक चीज बताओ पत्रकार महोदय जी, राम मेरे घट में है, राम मेरे मन में है, राम मेरे दिमाग में है, उसे मोदी जी निकाल देंगे? कैसे निकाल के ले आएंगे मोदी जी? मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, देश विरोधी है क्या? हाँ हम देश विरोधी, हम जेल जाना चाहते हैं मोदी के खिलाफ, हम अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहे हैं जंतर मंतर पर।
अरे आपके अधिकारों की रक्षा मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारा अधिकार छिनवाए है। हमारे 27% आरक्षण विश्वास प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी ने दिया था, जिसको भाजपा सरकार ने सन 2002 में 18 घंटे काम कर रहे हैं आपके लिए। अजी 18 घंटे काम कर रहे, सोते भी नहीं है। अजी वे किसके लिए करे, जिसको औलाद नहीं, घर वाली नहीं, अपने लिए कर लो, जनता के लिए क्या करेंगे। ये गलत कर कैसे डरना भैया, हमारी तो 4 बच्चे हैं, घरवाली एक्सपायर है, जेल में देर से का झोपड़ी है हमारा। हम उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव निर्माणी, खड़ा रहने दो। योगी जी से नहीं डरते आप? नहीं जी, हमें क्या डरना योगी जी से, चल जाने दो। नहीं डरते? नहीं डरते। अच्छा, हाँ, जो अपना अधिकार मांगता है वो देश विरोधी है। नहीं होने तो, प्रधानमंत्री भी तो हमने ही बना के बैठा रखे हुए। मोदी है तो देश सुरक्षित है। अजी कैसा सुरक्षित है देश बताओ, मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की महिला देख लो, मणिपुर कांग्रेस में ज्यादा होता था। अच्छा कांग्रेस में ज्यादा होता था, इस बार ज्यादा नहीं हो रहा। अच्छा ये तो मोदी जी को मुझे फन्नाकर का दंगा लिया, नहीं हुआ भी नहीं था मोदी तो भाई जी। मोदी वापस जाओ, धर्म का धंधा होगा, पढ़ा लिखा भी अंधा होगा, रोना इस चीज का होगा। जब हम उनको वोट नहीं करेंगे, हम करेंगे ना उनको वापस भेजने का काम। तो अरे दिल जीत के बैठे हैं जनता का। नहीं मेरा दिल तो मेरे पास है, मेरा दिल तो मेरे पास है। 140 करोड़ लोग हमारे उत्तर प्रदेश में इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने पूरे हर जिले में, हर गांव में अपनी परचम लहरा रखा। इस बार जो हटा कर रहेंगे तो विपक्ष में लड़े। अरे विपक्ष का सफाया हो जाएगा इस बार। विपक्ष का तो कभी सफाया नहीं हुआ। विपक्ष का इस बार पूर्ण सफाया हो जाएगा, राहुल गांधी खत्म। हाँ जी आपकी बात बिल्कुल पक्षपात मोदी जी सही है। एक थोड़ा सा मैंने एक इतिहास पढ़ा था, विपक्ष तो उस दौर में भी खत्म नहीं हुआ था जिस टाइम देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था, राक्षस तब भी रहे थे। राक्षस तब भी रहे थे इस देश के अंदर, विपक्ष राक्षस है। हाँ तब भी भगवान ने भी नहीं मारा था विपक्ष को, तो वैसे कैसे हम खत्म कर देंगे विपक्ष को। ये इस बार यूपी विधानसभा में बजट पेश हुआ है और इस बार का बजट राम को समर्पित किया गया है। हाँ राम को समर्पित किया गया है इस बार बजट। यो जनता का इतना पैसा वहाँ पहुँचा, वो बजट योगी जी ने कर दिया। अरे विकास नहीं देख रहे उत्तर प्रदेश, कैसा विकास है? इस गरीब जनता को क्या विकास चाहिए? रोड बनाए पूंजीपति लोगों के लिए, गाड़ी उनकी चलेगी, गरीब का क्या चलेगा? साइकिल का पहिया भी नहीं है इनके पास। अयोध्या में जॉब मिल रहे हैं नौजवानों को। अयोध्या में, अयोध्या की आप पत्रकार मोदी जी एक बात बताना चाह रहा, वहाँ जी वहाँ पे जो ट्रस्ट के 16 अधिकारी बनाए गए सारे मनुवादी लोग हैं, वहाँ एक कश्यप है, ना एक दलित है, ना एक प्रजापत है, तो क्या वे हिंदू नहीं है? अरे योग्यता के आधार पर देते हैं ना? इनके पास योग्यता नहीं है, लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, आप यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं। हाँ हम लोग वे लोकतंत्र मजबूत कर, अब क्या कर देंगे 24 में बेड़ा पार? किसका, कांग्रेस का कि मोदी का? कांग्रेस का। किस तरफ वोट करेंगे हम कांग्रेस को? बैलेट पेपर से होगा। अरे आएगा, जनता की आवाज है, जनता की आवाज है, आएगा। हाँ राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है। जो नफरत का बाजार मोदी जी ने फैला रखा है उसको सम्मिलित करने के लिए राहुल गांधी जी, हमारे प्रिय नेता जी, उसको जोड़ने की न्याय यात्रा। कांग्रेस के नेता भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं मोदी जी, भारत कर रहे हैं। हाँ जो गरीबों की आवाज उठाता है वो भारत तोड़ने की बात करता है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल नहीं सकते, मोदी जी के नेता बोल रहे हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। नहीं नहीं इस बार कांग्रेस आगे अमृतकाल, हमें तो जार भी नहीं मिल रहा साहब, तुम अमृतकाल की बात कर रहे हैं? हमें तो जार भी नहीं मिल रहा, अमृतकाल कहाँ से आ गया? राशन तो दे रहे हैं।
5 किलो राशन अपना दे रहे है। ये मजदूर कमाता, किसान हल जोतता है, वो कमाता है और तब उसके पास जाता। मेरी बात सुनने पत्थर मोदी जी, जिस टाइम यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश जी की थी, उस टाइम बिजली बिल 180 रुपए का था, आज मोदी सरकार में 1200 रुपए का घर का बिल है। तो बताओ 5 किलो चावल 100 रुपए का बिल ले लिया, 1000 रुपए का नोट से हमारी जेब में से भाग गए। अरे निषादों की सरकार खत्म करेंगे, निषादों की सरकार भैया कुछ नहीं है। जनता ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो मोदी है वो जुमलेबाज है, भाजपा सरकार जुमलेबाज है, वो ईवीएम में धांधली करती है। बेशक जो ईवीएम है वो कांग्रेस लेके आई है, पर धांधली जो उसका फायदा उठाया जा रहा है वो भाजपा सरकार कर रही है। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि 2024 में वो चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।